तो ये है दोस्तों मुकुंदरा की राइट, मुकुंदरा फॉरेस्ट के बीचों बीच बाइक पर राइड करते हुए हम निकलते हुए, रास्ता एकदम शांत हरा भरा पीसफुल एनवायरनमेंट वाला है, तो मंजिल बड़ी सुहानी है, मंजिल बड़ी सुहानी है। चलता हूँ, मिलता हूँ अगले मोड़ पर। दोस्तों ये है दरा, मुकुंदरा नेशनल टाइगर फॉरेस्ट, जिसकी खूबसूरती बारिश में और बारिश के बाद सर्दियों में और भी अधिक बढ़ जाती है। जो सामने आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल, ये है हरे भरे पहाड़। एकदम हरा भरा नज़ारा आपको नज़र आता है जब आप मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच में से, मुकुंदरा फॉरेस्ट के बीच से गुजरते हैं। ये नज़ारा वहीं का है। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। ये है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, लश ग्रीन फॉरेस्ट। और ये मोड़ पर देखिए कितना शानदार नज़ारा, ये है मुकुंदरा हिल्स और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और यहीं पर है ये एक गड़ी जो कि पुरातत्व विभाग के कंट्रोल में है, हवेली मिनी का महल उसको कहते हैं। और यह टेंपल रिमेन्स, मुगल आक्रांता ने जब भारत पर आक्रमण किया और सभी मंदिरों का आक्रमण किया, उसी सिलसिले में दरा में भी जो मंदिर है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। आनंद भरा, सुबह 6 बजे में निकला था और 6:30 बजे सुखेती था, फिर भी 7:30 बजे काम होने से पेड़ है 40 का पावर 30 का पावर, 40 का पावर 30 का पावर, दोनों में फ़र्क फर्क है ना, इसमें मीठा कमी से मीठा तेज। असली माव कौन सा है? असली माव तो आपको दुकान मिलेगा। अच्छा, 400 रुपये किलो है।
दोस्तों थोड़ा मीठा तेज चेक तो कर लो, शुगर बढ़ जाएगी। अरे नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर आप जरा आए और जरा की पपड़ी और सेव नहीं खाए तो आपका दरा आना बेकार है, क्योंकि दरा की कई सारी मशहूर दुकानें हैं जहाँ पर सेव और पपड़ी और ख़ास करके पेड़े, दरा के पेड़े मिलते हैं। एक तो अलवर का मिल्क केक है, मथुरा के पेड़े हैं, और उसके बाद नंबर आता है दरा के पेड़े। तो 20 की 100 ग्राम मिक्स कराई है मैंने पपड़ी और सेव दोनों। तो 30 साल से भाई साहब पेड़े बनाने का और नमकीन बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको असली दरा के पेड़े खाने हैं तो आप लाला जी की दुकान अलवर मिष्ठान भंडार या संजय मिष्ठान भंडार से खरीदें, 400 रुपये किलो है। तो दरा के पेड़े, पपड़ी, नमकीन तीनों ही चीज़ पसंद है। तो दोस्तों ये है अमझार नदी और सामने आप देख रहे हैं रेलवे ब्रिज। अमझार नदी का ये है रेलवे ब्रिज जो कि बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। सुबह का भी मैंने आपको धुंध भरा दृश्य दिखाया था जब मैं जा रहा था लगभग 6:45 पर। और ये है पुरानी पुलिया, पुराना ब्रिज जिस पर से होकर के पहले कोटा के लिए, अजमेर के लिए, जयपुर के लिए बस झालावाड़ की तरफ से रवाना होती थी, लेकिन चूंकि अक्सर बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ता था, नदी उफान पर होती थी और आवागमन बाधित होता था, इसीलिए हाई लेवल ब्रिज बनाया गया जिससे व्हीकल गुजरते हैं आप देख सकते हैं, और बकायदा एकदम स्ट्रॉन्ग सुरक्षित ये ब्रिज है जिससे हेवी व्हीकल भी गुजरते हैं। तो ये है दोस्तों आज का खूबसूरत नज़ारा, बने रहिए मटेरास वर्ल्ड पर। जंगल क्षेत्र है पूरा और रात में तो यहाँ पर कई सारे जानवर होंगे तो रात में आने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। तो बने रहिए मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो जगह पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें दोस्तों आप।